Hello friends, I am Umang Tiwari. Welcome you on Unacademy. Let's crack SSC and Railway Exam Portal. Aaj hai 16 February 2020 Sunday. So our hamara jo aaj schedule hai wo thoda sa change time pe hai. Aaj sham ko 7:30 baje main aaya hu aapke paas kal din bhar ki jo hai important updates lekar ke aur kuch important chapters jo aaj aap usko dhyan se padhiye, kuch important aisi news jo aapke exam jo ki इस पर कि अभी हमारा पूरा फोकस चल रहा है 3 मार्च से जो हमारा एसएससी सीजीएल टियर 1 शेड्यूल है उसके हिसाब से हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज का ये सेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है तो आप इसको ध्यान से सुनेंगे ध्यान से पढ़ेंगे और पूरी हम जो है कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा आज जो है हम अपना अपडेट कर पाए सो सबसे पहले तो आई वेलकम यू अगेन ऑन लेट्स क्रैक एसएससी एंड रेलवेज इस पोर्टल पर आप पढ़ रहे हैं इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ इंडिया के रेनाउंड जो है एजुकेटर्स चाहे वो जनरल स्टडीज हो मैथमेटिक्स हो रीजनिंग हो या फिर इंग्लिश हो टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ा रहे हैं आपके डाउट्स को क्लियर कर रहे हैं और बहुत ही जो स्पीड है इस समय हाई है पूरा फोकस जो है इस समय जो है बड़ा हुआ है सभी का क्योंकि ईच वन ऑफ अस हम सभी ये चाहते हैं कि सारे के सारे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं कैंडिडेट्स हैं वो सारे के सारे फ्लाइंग कलर के साथ जो है वो पास हों मैं उमंग तिवारी आज जो है 20 दिन के आसपास हो गए हैं आपके साथ तो मैं आप मुझे पहचान गए होंगे जैसा कि मैं भी अपने अपने कुछ जो रेगुलर मेरे व्यूअर हैं उनको पहचान चुका हूं तो मैंने खुद भी जो है सेवरल एग्जाम्स को क्लियर किया है स्टेट पीएससी यूपीएससी और उसके बाद आपका बैंकिंग का एसएससी का कई एग्जाम मैंने दिए हैं पास भी किए हैं मैंने करीब 5000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ाया है और उनमें से कई का सिलेक्शन भी हुआ है तो उनका एक्सपीरियंस भी मैं आपके साथ शेयर करता हुआ चलता हूं वो स्ट्रेटजी जो उन स्टूडेंट्स ने अपनाई थी जो कि वो पास हुए तो ये जो मेरा सेशन है वो वैसे तो 7:30 to 8:15 आपके साथ रेगुलर कोर्स में चलता है इसलिए इस टॉपिक को इस पर्टिकुलर पॉइंट को मैंने चेंज नहीं किया है ताकि आप जो है जुड़े रहे मेरे सेशन से 7:30 से 8:15 और 9:45 से 9:15 एवरी डे रोज मॉर्निंग में विदाउट एनी जो है फ्लॉ विदाउट एनी डिले हम जो है इस टाइम पर सुबह रोज मिलते हैं हिंदू और पीआईबी यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एनालिसिस के लिए कैसे हम करंट अफेयर्स के लिए प्रिपेयर करें 60 दिन में रिया नाथ जी गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग आप सेशन से जुड़िए और पूरा कॉन्सेंट्रेट करिए सेशन के ऊपर और भी लोग जो हैं जल्दी से जिन्होंने इसका अपडेट देखा हो YouTube पर जल्दी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग लाइव आए आपके जानने वाले जो भी हो उनको बताइए तो 60 दिन में हम प्रिपरेशन कर रहे हैं कि आपका डायनेमिक जीएस और स्टैटिक जीएस करंट अफेयर्स साइंस इकोनॉमी पॉलिटी इंडियन हिस्ट्री ज्योग्राफी फ्रीडम स्ट्रगल एवरीथिंग दैट शुड बी कवर्ड जो भी आपके एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा वो टॉपिक हम कवर करें अनअकैडमी का ये लर्निंग ऐप है इसको आप डाउनलोड करिए इस ऐप के डाउनलोड करने के बाद आप अपना गोल चूज कर सकते हैं और पूरा फोकस कर सकते हैं सारे एजुकेटर्स आपको उस कैटेगरी में जो पढ़ा रहे हैं उन सभी का आप प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा आपको प्रॉपर आप उनको अटेंड करेंगे जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा एग्जाम में यहां पर इस पॉइंट इस जो है वो स्लाइड में आप देख सकते हैं कि कैसे मेरा जो रेफरल कोड है लाइव यूटी इस रेफरल कोड को यूज करने पर आपका जो फीस है उस फीस पे आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा आप अपना टेन्योर डिसाइड करेंगे एंड आफ्टर दैट यू विल बी गिवन 10% इंस्टेंट डिस्काउंट यूजिंग माय रेफरल कोड दैट इज लाइव यूटी को आप यूज करेंगे तो आपको ये रेफरल कोड का डिस्काउंट मिलेगा अभी हम देख लेते हैं एनालिसिस ऑफ द हिंदू 16 February 2020 प्लस प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का भी मैं आपके साथ एनालिसिस कराऊंगा इसके अलावा जुलाई और अगस्त के महीनों के 2019 महीनों के जो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा तो ये आउटलाइन है सेशन का जिस जो जो पॉइंट मैं आज आपके साथ सेशन में डिस्कस करूंगा वो होंगे नेशनल सिक्योरिटीज एक्ट पेंगोलिन एंड रिलेटेड न्यूज पेंगोलिन जो कि आपने सुना होगा क्या जो कि हमारा ऐसा एक एनिमल है ऐसी स्पीसीज है जो कि बहुत ज्यादा एक हंटिंग स्पीसीज है उसको बहुत ज्यादा उसका उसका जो है ट्रेड भी किया जाता है लीगल तरीके से तो हम देखेंगे पेंगोलिन क्या है उससे रिलेटेड न्यूज क्या है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के बारे में हम पढ़ेंगे कि क्योंकि ये जो मैंने पेंगोलिन का न्यूज लिया तो मेरे को लगा कि मेरे को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 भी आपके साथ डिस्कस करना चाहिए क्योंकि इंडिया में जो गाइडिंग प्रिंसिपल है पेंगोलिन के प्रोटेक्शन के लिए वो हमको इसी में दिए गए हैं
इसके बाद हम हिंदू जो एडिटोरियल है उसका एनालिसिस देखेंगे, क्या एनालिसिस देखेंगे कि उसमें क्या बात कही गई है, कैसे वो हमारे लिए जरूरी है। इंडिया नेपाल पाइपलाइन के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, इंडिया नेपाल पाइपलाइन के बीच में अभी एक टाइप हुआ है, इंडिया का पहला जो है एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल टाइप है किसी देश के साथ पाइपलाइन को लेकर के। यूएन के हम इंटरनेशनल ईयर्स को देखेंगे, इंटरनेशनल ईयर्स जो होते हैं यूएन के वो हम देखेंगे कि 18, 19 और 2021 में कौन कौन से इंटरनेशनल यूएन ईयर मनाएगा, यूनाइटेड नेशंस के जो डिक्लेयर्ड इंटरनेशनल ईयर्स होंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सैलियंट फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हम सैलियंट फीचर को डिस्कस करेंगे, क्यों करेंगे, ये अलग से एक टॉपिक हमने क्यों ले लिया है, ये टॉपिक हमने इसलिए लिया है कि ये हमारा इंटरनेशनल ईयर से जुड़ा हुआ टॉपिक है। उसके बाद कुछ और टॉपिक्स होंगे इंपॉर्टेंट एंड आफ्टर दैट वी विल गो फॉर सेल्फ स्टडी। तो पहला टॉपिक हम देख लेते हैं, पहला न्यूज हम देख लेते हैं क्या है। पहला न्यूज है रिया जी का कहना है कि आप यहाँ पे न्यू हैं, नहीं जानती, पीएससी की तैयारी कर रही हैं, तो पीएससी की प्रिपरेशन के लिए भी आपका ये जो सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मेरे सारे ही सेशन में मैं कोशिश करता हूं कि किसी भी टॉपिक को एसएससी से लेकर के, स्टेट पीएससी से लेकर के या उससे ऊपर का भी अगर कोई स्टैंडर्ड में वो फिट हो रहा है या कोई ऐसी न्यूज है जो कि हम उसमें ले सकते हैं तो आई ऑलवेज कवर दैट। सो प्लीज कीप ज्वाइन विद द सेशन। देख लेते हैं, यूपी गवर्नमेंट इन्वोक्स एनएसए अगेंस्ट कफील खान। तो पहले तो आप यहां पे ये ध्यान रखेंगे कि यहां पे एनएसए का मतलब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नहीं है, यहां पे एनएसए का मतलब है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, एनएसए। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने कफील खान एक व्यक्ति हैं, उनके खिलाफ जो है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत कार्रवाई कर दी है। क्या कार्रवाई की है? डॉक्टर कफील खान ऑफ गोरखपुर फॉर हिज अलीज इन्फ्लेमेटरी कॉमेंट्स अगेंस्ट सीएए एट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी रिसेंटली। तो एएमयू में ये सीएए के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, इसलिए जो है इनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। अब हमारे मतलब की जो बात है इसमें ये है कि हम पता लगाएं व्हाट इज एनएसए, नेशनल सिक्योरिटीज एक्ट जो है वो है क्या। अभिनव यादव जी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग अभिनव यादव जी, आ जाइए आप भी सेशन में। अभी हम देखेंगे कि नेशनल सिक्योरिटीज एक्ट 1980 क्या है, ये एक्ट क्या इसके सैलियंट फीचर्स हैं। तो देखेंगे, एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन इन सर्टेन केसेस एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विद, बी इट इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट इन द 31st ईयर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एज फॉलोज। देखिए यहां पर ये मैंने ऑफिशियल टेक्स्ट लिया है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब मैं से किसी एक्ट के बारे में, किसी बिल के बारे में, किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि संविधान संशोधन के बारे में बात करता हूं तो मैं हमेशा ऑफिशियल टेक्स्ट को रेफर करता हूं, हमेशा मैं जो है वो ऑफिशियल टेक्स्ट को रेफर करता हूं। गजट जो होता है, गजट, एक्स्ट्रॉर्डिनरी गजट ऑफ इंडिया, जिसमें कि हमारा कोई भी एक्ट पब्लिश होता है, उसी का स्नैपशॉट सीधा का सीधा मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, क्योंकि इसमें जो लैंग्वेज होती यूज होती है वो एक लीगल लैंग्वेज होती है और लीगल लैंग्वेज को हमेशा उसी टर्म्स में पढ़ना चाहिए। मेरी भी आपको यही सलाह है कि इफ यू आर रीडिंग एनी टेक्स्ट विच इज लीगल इन नेचर, आपके जॉब में भी ये काम आएगा, तो नेवर यूज एनी रेफरेंस मटेरियल, ऑलवेज गो फॉर द ऑफिशियल टेक्स्ट। आपको आदत भी पड़ेगी, लीगल टर्मिनोलॉजी जो होती है वो भी आपको पता चलेगी कैसी होती है और किस तरीके से आप जो है चीजों को प्रेजेंट करते हैं लीगल वे में, वो भी आपको पता चलता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था एक दिन पहले भी कि जॉब में बेसिकली आपका काम होगा कि रूल को एनफोर्स करना, गवर्नमेंट ने जो रूल बनाया है, आप जब अपनी सीट पर बैठेंगे चाहे वो 4200 ग्रेड पे, 4600 ग्रेड पे या स्टेट पीएससी या फिर यूपीएससी की भी, इवन अल्टीमेटली आपका काम ये है कि जो रूल पोजीशन है उस रूल पोजीशन के हिसाब से काम को करना। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, लोक सेवा में जब आप जाते हैं, लोक प्रशासन में जब आप जाते हैं, तो बेसिकली आपका काम होता है कि रूल, गवर्नमेंट ने जो रूल बनाया है उसको आप फॉलो करिए, या फिर अगर आप प्लानिंग में हैं, अगर आप रूल मेकिंग में हैं, अगर आप पॉलिसी प्लानिंग में हैं, तो इस तरीके का रूल बनाइए जो कि फॉलो हो सके। तो एक एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेशन दोनों के साथ जो हमारा प्रशासन मिलकर काम करता है तभी जाकर के सुधार होता है। तो उसी लिए जो मेरा बैकग्राउंड है, जिस वजह से मैं ये ऑफिशियल टेक्स्ट रेफर कर रहा हूं, उसकी वजह यही है कि आप जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसको समझें। तो अभी मैंने आपने देखा कि एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन, यहां पे ये वर्ड बहुत ध्यान से आप देखिए कि कुछ हो उससे पहले ही उसको प्रिवेंटिव अरेस्ट किया जाता है, यानी प्रिवेंटिव
डिटेंशन बच जाए, बुरा होने से बच जाए, इन सर्टेन केसेस एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विद, इस तरीके के मामले या उनसे जुड़े हुए मामलों में, बी इट एनेक्टेड बाय पार्लियामेंट इन इट्स 31st ईयर, क्योंकि ये 1980 का साल था, 1950 जो है वो फर्स्ट ईयर था पार्लियामेंट के इनेक्टमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन के इनेक्टमेंट का, तो 1980 जो है वो हमारा 31st ही हुआ। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो दिस इज द 70th ईयर ऑफ इनेक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा 2020 जो है, 2020 हमारा साल जो है वो 70th ईयर है कॉन्स्टिट्यूशन के इनेक्टमेंट के बाद से। इसका शॉर्ट टाइटल है, दिस एक्ट में बी कॉल्ड एज नेशनल सिक्योरिटीज एक्ट 1980, इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू और एंड कश्मीर। देखिए जब ये बना था 1980 में, उस समय धारा 370 लागू थी, इसीलिए इट वॉज नॉट एक्सटेंडेड टू जम्मू एंड कश्मीर, ये नियम जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं होता था। लेकिन फ्रॉम 6 अगस्त 2019 के बाद से धारा 370 जो है, धारा 35 ए जो है वो अपने लागू में नहीं है, इसलिए अब ये जो हमारा रूल है ये भी वहां पर एक्सटेंड हो गया है। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मींस एज रेस्पेक्ट्स अ डिटेंशन ऑर्डर मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और अ पर्सन डिटेड अंडर सच ऑर्डर द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एज रेस्पेक्ट्स अ डिटेंशन ऑर्डर मेड बाय अ स्टेट गवर्नमेंट और बाय एन ऑफिसर सबॉर्डिनेट टू अ स्टेट गवर्नमेंट और एज रेस्पेक्ट्स अ पर्सन डिटेन्ड अंडर सच ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये बहुत भारी भरकम लैंग्वेज हो गई, इसको आप एक एक वर्ड करके पढ़ेंगे हम लोग, क्या है ये एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, इस एक्ट की बात चल रही है, ये एक्ट में जो टर्मिनोलॉजी यूज हुई है अलग अलग, जब आप इसको पूरे को डिटेल में पढ़ेंगे तब इसमें इन्होंने पहले ही आपको डेफिनेशंस क्लियर कर दिए कि इट्स डेफिनेशंस में आपके अलग अलग जो वर्ड हैं वो क्या है। तो यहां एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब क्या है, एनी गवर्नमेंट, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर उसके अंडर में काम करने वाला कोई ऑफिशियल हो, या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे काम किया हो, या फिर स्टेट गवर्नमेंट का कोई सबॉर्डिनेट ऑफिसर जो कि उसमें काम कर। तो यहां पर ये डेफिनेशन है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की। उसके बाद आपका सेकंड टर्मिनोलॉजी है डिटेंशन ऑर्डर मींस एन ऑर्डर मेड अंडर सेक्शन 3, यानी इस एक्ट का जो सेक्शन 3 है उसके अंदर जो बनाया गया आपका ऑर्डर है। सुशांत कुमार जी हेलो, नीतीश कुमार जी गुड इवनिंग, आप दोनों सेशन की तरफ ध्यान रखिए, आप दोनों सेशन से जुड़े हुए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है। फॉरेनर, फॉरेनर का मतलब क्या है, फॉरेनर हैज द सेम मीनिंग एज इन द फॉरेनर्स एक्ट 1946, आप इस चीज पर बहुत ध्यान देंगे, बहुत गौर करेंगे, और मैं आपको इसको सेल्फ स्टडी में डाल रहा हूं, सेल्फ स्टडी में डाल रहा हूं क्योंकि आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, ड्यू टू लैक ऑफ हमारा जो पीरियड है वो बिल्कुल जो है बना हुआ है, 3 मार्च से एग्जाम शुरू हो रहा है, इसलिए मैं बहुत सारी चीजों को कवर नहीं कर सकता, इसलिए एसएससी के हिसाब से अभी आप इसको मत देखिए। अगर आप एसएससी सीजीएल टीयर 1 में जा रहे हैं तो अभी आप इस पर्टिकुलर पॉइंट को ड्रॉप कर सकते हो, लेकिन आपको टाइम अगर मिल जाए तो आप डेफिनेटली फॉरेनर्स एक्ट 1946 को पढ़िए। पर्सन इंक्लूड सफर्स फॉरेनर, यहां पे आप ये वर्ड देखिए कि अगर कहीं पे पर्सन वर्ड यूज हो रहा है, यानी कि अ पर्सन वॉज डिटेन्ड विद सच 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 वर्किंग एंड ही वॉज डिटेन्ड अंडर एप्रोप्रिएट लॉ, तो पर्सन में फॉरेनर वर्ड भी इंक्लूड है, यानी फॉरेनर को भी जो इंडिकेशन है वो पर्सन वर्ड के द्वारा ही दिया जाए। स्टेट गवर्नमेंट का मतलब क्या, इन रिलेशन टू अ यूनियन टेरिटरी मींस द एडमिनिस्ट्रेटर देयर ऑफ, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट अगर यूनियन टेरिटरी की है तो वहां के एडमिनिस्ट्रेटर जो है उसका जो एडमिनिस्ट्रेटर है उस एडमिनिस्ट्रेटर से उसको रेफर किया जाएगा, यानी आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर भी हो सकते हैं, गवर्नर भी हो सकते हैं या फिर एनी अदर पर्सन। तीसरा सेक्शन आप देखिए जिसमें बताया गया था कि सेक्शन 3 जो है इसका पावर टू मेक ऑर्डर्स डिटेनिंग सर्टेन पर्सन द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट में, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इस बारे में पावर्स या ऑर्डर्स दे सकती हैं इफ सेटिस्फाइड विद रिस्पेक्ट टू एनी पर्सन दैट विद अ व्यू टू प्रिवेंटिंग हिम फ्रॉम एक्टिंग इन एनी मैनर प्रिजुडिशियल टू द डिफेंस ऑफ इंडिया द रिलेशंस ऑफ इंडिया विद फॉरेन पावर्स और द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की संप्रभुता, भारत की रक्षा, भारत की सुरक्षा या फिर भारत के जो अन्य विदेशी सैन्य या सामरिक संबंध है उनकी सुरक्षा में अगर किसी व्यक्ति को डिटेंशन में अरेस्ट करना जरूरी है तो ये ऑर्डर स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट दे सकती है।
if satisfied with respect to any foreigner, that with a view to regulating his continued presence in India or with a view to making arrangements for his expulsion from India. यानी कि फॉरेन का स्थित कोई व्यक्ति जो भारत में आया हुआ है और उसको बाहर निकाल देने से, उसके एक्सपल्शन से, अगर यही चीज है यानी भारत की रक्षा सुरक्षा और उसके विदेशी अन्य सैन्य जो संबंध है उन पर अगर कोई खतरा उत्पन्न हो रहा है तो भी गवर्नमेंट उसको बाहर निकाल सकती है. इट इज नेसेसरी सो टू डू मेक एन ऑर्डर डायरेक्टिंग दैट सच पर्सन बी डिटेन. यानी कि गवर्नमेंट उसको डिटेंशन में रख सकती है, प्रिवेंटिव डिटेंशन. तो ये आपने देखा कि किस तरीके से नेशनल सिक्योरिटीज एक्ट है उसके जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं वो क्या है, ये आपको पता होना चाहिए एज अ एस्पिरेंट ऑफ एनी एग्जामिनेशन. अभी हम देखेंगे सेकेंड न्यूज, साइंटिस्ट रेडियो टैग इंडियन पेंगुलिन. यानी इंडियन जो पेंगुलिन है, ये मैंने इसका फोटो ले लिया है ताकि आप जो है इसको थोड़ा सा पहचान पाए, इंडियन पेंगुलिन. और आप इसके जो ऊपर का जो जो कहना चाहिए कि इसके जो देखने में ये आपको लग रहा है, तो आपको लग रहा होगा कि इससे जो है काफी तरीके के एंटीक्स और इसकी जो ऊपर का स्किन भी होता है वो काफी हार्ड होता है. तो कई तरीके का चाइना जापान और इंडिया में इसको यूज भी किया जाता है कई और चीजों के लिए. तो इस वजह से इसकी जो इलीगल ट्रेडिंग है वो भी बहुत ज्यादा होती है. सुशांत कुमार जी, पीडीएफ कहां से मिलेगा? पीडीएफ सर मैं अपना ड्राइव का जो लिंक है वो शेयर कर दूंगा कमेंट सेक्शन में, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा. ठीक है, आप उसको वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा. लेकिन फिलहाल मैंने पहले भी बोला है कि पीडीएफ से जो है वो कई जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो रह जाते हैं, कई चीजें ऐसी होती हैं जो मैं आपसे बोलता हुआ चलता हूं ड्यूरिंग माई डिस्कशन. सो आप जो है वो इस चीज को जो है अभी से ही पढ़िए, यहीं से ज्यादा कोशिश करिए कि आप उसको जो है वो कर पाए. अब हम देखेंगे कि रेडियो टैगिंग जो की गई है, जो रेडियो टैगिंग पेंगुलिन की करी गई है वो क्या है. तो फॉर द फर्स्ट टाइम साइंटिस्ट हैव रेडियो टैग द इंडियन पेंगुलिन एंड एंडेंजर्ड एनिमल दैट इज रेयरली साइटेड इन फॉरेस्ट हेयर. यानी कि पहली बार जो है वो साइंटिस्ट ने जियो टैगिंग करा है, रेडियो टैगिंग करा है पेंगुलिन का. और किस पर्पज से किया है? इसका पर्पज जो है वो ये है कि इनकी हैबिट्स का पता चल पाए. ये देखिए, दैट विल हेल्प अंडरस्टैंड द हैबिट्स ऑफ द रिक्लूसिव नॉक्चर्नल एनिमल. यानी कि एनिमल जो है इसका स्केली, देखिए आप यहां पर पूरा डिटेल में देखिए कि द इंडियन पेंगुलिन विच डॉन्स अ थिकी स्केली स्किन इज हंटेड फॉर मीट एंड यूज इन ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन. रिसर्चर्स से टैगिंग दिस एनिमल विल हेल्प अंडरस्टैंड द हैबिट्स ऑफ रिक्लूसिव नॉक्चर्नल एनिमल. रेडियो टैगिंग इन्वॉल्व्स अटैचिंग अ ट्रांसमीटर टू एन एनिमल टू मॉनिटर इट्स मूवमेंट. यानी कि रेडियो टैगिंग कर देने से पेंगुलिन के जो विचरण करने की जो हैबिट्स हैं, यानी कि अगर एक जोन में किसी में पेंगुलिन है तो किस तरीके से उसके जो है वो मूवमेंट रहते हैं और किस तरीके से वो जो है वो ज्यादा प्रोन हो जाता है खतरे के लिए, उस सभी को मेजर करने के लिए, उस सभी को कंट्रोल करने के लिए साइंटिस्ट ने इसको जो है वो रेडियो टैग किया है. चाइनीज मेडिसिन में भी ये यूज होता है. और देखिए ये एंडेंजर्ड स्पीसीज है, एंडेंजर्ड स्पीसीज है. आगे मैं आपको बताऊंगा कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में भी इसका जिक्र है. और जो रेड डाटा बुक होती है, रेड डाटा बुक भी आप जानते हैं, उसमें भी इसका जो है वो जिक्र किया गया है. Out of 8 species of pangolin, the India and the Chinese pangolins are found in India. Both these species are listed under Schedule 1, Part 1 of the Wildlife Protection Act 1972. इंडियन और आठ तरीके की जो है वो इसकी प्रजातियां होती हैं, जिसमें से भारत और चाइना में पाई जाती हैं एक प्रजाति. और ये जो प्रजातियां हैं ये आपके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 पार्ट 1 में इंक्लूड है. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का जो शेड्यूल 1 है वो इस तरीके की, उसमें एनिमल्स की लिस्ट दी गई है जो कि आपके सेफ कस्टडी में रखने हैं. अभी मैं आपको वो लिस्ट भी दिखाता हूं. पहले मैं आपको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का जो ऑफिशियल टेक्स्ट है उसका एक शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट दिखा देता हूं कि कैसे ये एक्ट जो है इसकी लैंग्वेज है और क्या क्या एरिया ये जो अपने अंदर कवर करता है. तो दिस एक्ट में भी कॉल्ड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इस एक्ट को 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कहा गया है. इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर. वही कहानी, क्योंकि ये 1972 में इनेक्टमेंट हुआ था उस समय
लागू थी धारा 370, तो इट वॉज नॉट एक्सटेंडेड टू जे एंड के. नाउ इट विल बी एक्सटेंडेड. इट शैल कम इन टू फोर्स इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी टू विच इट एक्सटेंड्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन अपॉइंट एंड डिफरेंट डेट्स मे बी अपॉइंटेड फॉर डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और फॉर डिफरेंट स्टेट्स और फॉर डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज. यानी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के जो प्रोविजन थे वो अलग अलग स्टेट्स के लिए गवर्नमेंट अलग अलग बनाए थे और उनका जो इनेक्टमेंट का डेट है उनका इनेक्टमेंट का डेट भी जो है वो अलग अलग स्टेट्स के लिए अलग अलग था. इसीलिए ये बात जो है वो इसमें कही गई है. अगला आप टॉपिक देखेंगे इसका डेफिनेशन में एक और जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है आपकी डेफिनेशन. डेफिनेशन जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से क्या है, तो एनिमल इसमें किसको कहा जाएगा, तो एनिमल इंक्लूड्स एम्फीबियंस बर्ड्स मैमल्स रेप्टाइल्स एंड दे आर यंग एंड ऑल्सो इंक्लूड्स इन द केसेस ऑफ बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स देयर एग्स. यानी कि कोई भी हमारे एम्फीबियंस यानी जो है जल थल और दोनों में जो रह सकते हैं जानवर, उसके बाद बर्ड्स स्तनधारी यानी कि मैमल्स, रेप्टाइल्स यानी कि रेंगने वाले जानवर, देयर यंग उनके बच्चे, और अगर बर्ड का केस है या रेप्टाइल्स का केस है तो उस केस में उनके एग्स. यानी ये इसकी परव्यू में आएंगे ये एनिमल्स जो है वो डेफिनेशन की इसमें दी गई. एनिमल आर्टिकल इन द मीन्स का क्या है कि एनिमल आर्टिकल मीन्स एन आर्टिकल मेड फ्रॉम एनी कैप्टिव एनिमल और वाइल्ड एनिमल अदर देन वर्मिन एंड इंक्लूड्स एन आर्टिकल और ऑब्जेक्ट इन विच द होल और एनी पार्ट ऑफ सच एनिमल इज बीइंग यूज्ड हैज बीन यूज्ड एंड आइवरी इंपोर्टेड इनटू इंडिया एंड एन आर्टिकल मेड देयर फ्रॉम. यानी एनिमल आर्टिकल का इसमें सेंस जो लिया गया है वो ये लिया गया है कि किसी भी जानवर से बनाया गया जो है वो आर्टिकल, कोई भी वस्तु जो जानवर का यूज करके या तो उसकी खाल का यूज करके या फिर उसके उसकी उसकी त्वचा का यूज करके या फिर वो अगर किसी उसके ऊपर कोई आइवरी चढ़ी हुई है या उसके ऊपर और कोई ऐसा जो है वो लेयरिंग हो जाती है जो कि कोई भी आर्टिकल बनाने में यूज होती है, तो दैट इज कॉल्ड द एनिमल आर्टिकल. यानी उसका कोई भी ऑब्जेक्ट कोई भी पार्ट अगर वो यूज किया गया है, ये एक्सटेंशन है, ये डेफिनेशन है आपका एनिमल पार्ट एनिमल आर्टिकल का. बोर्ड मीन्स, जो बोर्ड का यहां पे लिटरल मीनिंग लिया गया है वो है स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ. कैप्टिव एनिमल का जो लिया गया है मीनिंग वो है मीन्स एनी एनिमल स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 एंड शेड्यूल और शेड्यूल 4 विच इज कैप्चर्ड और कैप्ट और ब्रेड इन कैप्टिविटी. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि हमारा जो पेंगुलिन है वो शेड्यूल 1 में दिया गया है, तो शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 और शेड्यूल 4 में अलग अलग जो है एनिमल्स का लिस्ट दिया गया है जो कि कैप्चर्ड होंगे या कैप्टिविटी में, यानी कि अगर उनको किसी उसमें रखा जाएगा आपके तहखाने में या उनको बंद करके किसी भी तरीके के रिग्रेशन में, तो दैट इज कॉल्ड द कैप्टिव एनिमल. चीफ लाइफ वार्डन का जो मतलब है वो इसके सेक्शन 4 में दिया गया है. नाम से जो हमें पता लग रहा है चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन मतलब किसी भी पर्टिकुलर स्टेट की जो बात हो रही है या पर्टिकुलर एरिया की बात उसका वाइल्ड लाइफ का वार्ड. शेड्यूल 1 में हम देख लेते हैं, शेड्यूल 1 जो है उसमें मैमल्स को इंक्लूड किया गया है. कौन कौन से एनिमल हैं, एक मैंने आपके लिए कुछ जो है वो एनिमल्स का नेम जो है वो कट किया है उसमें से ताकि आप देख सकें. तो एनिमल वाइल्ड पिग, भराल, बिंटूरोंग, ब्लैक बक, ब्राउ एंटीलर्ड डियर और थामिन, हिमालयन ब्राउन बियर यानी कि हिमालय में जो रहने वाला भालू है, कैप्ड लंगूर, कराकाल, कैटेसियन, चीता, चाइनीज पेंगुलिन, ये वो एनिमल है जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं. ये 5A में दिया गया है. चिंकारा और इंडियन गजेल, क्लाउडेड लेपर्ड, क्रैब ईटिंग मकैक, डेजर्ट कैट, डेजर्ट फॉक्स यानी कि रेगिस्तानी बिल्ली, रेगिस्तानी लोमड़ी. और आप अगर आप जानवर यहां देखेंगे तो हिमालयन तहर जो होता है, हिमालयन तहर जानवर वहां का, हॉग बैजर, हूलॉग गिबन, इंडियन एलिफेंट, इंडियन लॉयन, इंडियन वाइल्ड एस, ये आपका कच्छ के रण में पाया जाता है, इंडियन वुल्फ, कश्मीरी स्टैग, लीफ मंकी, लियोपॉड और पैंथर, लियोपॉड कैट, लेसर और रेड पांडा, लॉयन टेल्ड मकैक, लॉरिस, लिटिल इंडियन पॉर्पोइस. तो इस तरीके से आपने देखा कि ये कुछ जानवर है जो आपके इस लिस्ट में दिए गए हैं. आपने देखा था 5A पे जो है वो चाइनीज पेंगुलिन दिया गया था
और यहां पे पेंगुलिन 28 पे भी दिया गया है ये। इसके अलावा पलास कैट, नीलगिरी तहर, नीलगिरी लंगूर, मस्क डियर, माउस डियर, रस्टी स्पॉटेड कैट, राइनोसोरस, सिरो अटोर, स्लॉथ बियर, स्लो लॉरिस, इस तरीके के कई जानवरों की इसमें लिस्ट दी गई है। तो इसको आप जो है वो ध्यान से पढ़ लेंगे, इस लिस्ट को इसके नोट्स बना लेंगे। और इंपॉर्टेंट है, आपसे अक्सर जो है वो पूछे जाते हैं इन जानवरों के बारे में, जैसे ड्यूगोंग जो होती है हमारी, जिसको हम बोलते हैं, तो ये सारी जो है वो आपके जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट जानवर हैं और शेड्यूल 1, 2, 3 और 4 में दिए गए हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के। डेट बहुत याद रखिएगा क्योंकि कई बार जो है वो हम कंफ्यूज कर जाते हैं इसको एनवायरमेंट वाले एक्ट से भी, तो इसका डेट आप ध्यान रखिएगा कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आया। अब जो है हम एडिटोरियल की तरफ बढ़ेंगे। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने देखे कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। अभी हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे जो एडिटोरियल निकला है कल हिंदू में। आपको पता होगा कि अभी वहां पे कोरोना वायरस जो है उसका आउटब्रेक हो चुका है, कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, 65-70 हजार के आसपास जो है वो इन्फेक्टेड लोग हैं और 1600-1700 लोग जो है वो मर चुके हैं। और अभी हाल में कल या परसों में जो 14, 15 और 16 का डेटा है, 14, 15 और 16 फेब जो है, इसमें मरने वालों की संख्या पर डे 250 के आसपास पहुंच रही है, यानी 700-800 लोग जो हैं वो पिछले 2-3 दिन में ही इससे जो है वो डेड हो चुकी है। ये ऑफिशियल डेटा है, ये ऑफिशियल डेटा है। कई न्यूज रिपोर्ट्स, कई जो है इस तरीके की न्यूज एजेंसीज हैं वो भी डेटा निकाल के ला रही हैं कि पर डे 1000 लोग के आसपास मर रहे हैं, 1500 के आसपास मर रहे हैं और टोटल 50,000 के आसपास लोग मर चुके हैं। खैर, हमें उस बात पर ध्यान नहीं देना है, हमें जो ऑफिशियल न्यूज एजेंसी कह रही है उसी बात पर ध्यान देना है। कोरोना वायरस के बारे में मैंने आपको बता चुका हूं पहले ही, कोरोना वायरस जो है वो लैटिन वर्ड कोरोना, कोरोना से निकल के आया है, क्राउन से निकल के आया है, और जो सूर्य होता है हमारा उसके चारों तरफ जो कोरोना होती है उसका जो चमकदार परत होती है उसको हम कोरोना बोलते हैं, वहीं से ये कोरोना वायरस नाम निकला है। और कोरोना वायरस दिखने में भी जो है कुछ कुछ उसी तरीके से होता है कोरोना वायरस, और दो तरीके के होते हैं आपके, सार्स एंड नोवेल। तो ये जो आपका कोरोना वायरस फैला है ये नोवेल टाइप का है। इस बार 2003 में सार्स कोरोना फैला था और इसका जो गवर्नमेंट, जो WHO है उसने अभी जो नाम दे दिया है वो दे दिया है कोविड 19 जो है वो इसका नाम दे गया है, कोरोना वायरस इंफेक्शियस डिजीज, कोविड 19 जो है वो इसको गवर्नमेंट ने नाम दे दिया है। ये अभी आप जो है वो देखेंगे अ टेल ऑफ आउटब्रेक। तो यहां पे जो इसके एडिटर हैं इस एडिटोरियल को, जिन्होंने लिखा है, उन्होंने इसकी जो है वो तुलनात्मक अध्ययन किया है 2003 में जो सार्स फैला था और इस बार नोवल कोरोना, तो दोनों बार का उन्होंने तुलनात्मक अध्ययन किया है कि चाइना के किस एरिया में, किस समय में, किस प्रकार से जो है वो ये आपका वायरस फैला है और किस तरीके से चाइना का जो अप्रोच है वो आगे बढ़ा है। तो हम देख लेते हैं कि क्या कहना है इनका, अ टेल ऑफ आउटब्रेक्स बोथ इन चाइना, यानी कि एक कहानी है आउटब्रेक्स की दोनों की जो कि चाइना में हुए थे। तो सबसे पहले इन्होंने शुरुआत की है कि अनलाइक द सार्स क्राइसिस बीजिंग हैज हैंडल्ड द कोरोना वायरस एपिडेमिक बेटर, यानी इनका कहना है कि 2002-03 में सार्स के मुकाबले नोवेल कोरोना की जो डिजीज है उसको इन्होंने ध्यान से, चाइना ने जो है वो ज्यादा एफिशिएंटली हैंडल किया है, लेकिन बट इट्स सीक्रेटिव एटीट्यूड स्टिल कॉजेज कंसर्न, लेकिन उसका जो एक छिपे हुए तरीके से काम करने का रवैया इस बार है, जिस तरीके से लोगों को उनके घरों में बंद कर दिया गया है, लोगों को बाहर निकाल लिया गया है, किसी को जाने नहीं दे रहे, ये जो उसका रवैया है काम करने का, इसकी वजह से कंसर्न बढ़ी है लोगों में, इसकी वजह से जो कंसर्न है वो बढ़ी है। आगे हम देखते हैं कि इस एडिटोरियल की क्या लैंग्वेज है, देयर आर ऑब्वियस पैरेलल्स बिटवीन द एपिडेमिक्स ऑफ 2002, 2003 एंड 1920। बिल्कुल जो है इस बारे में इन्होंने कहा है कि दो काफी चीजें जो है वो जुड़ी हुई हैं, 2003 और 2019 में काफी समानताएं जो है वो नजर आ रही है। क्या, बोथ बिगन इन विंटर एंड फीचर्ड कवर अप्स एंड विसल ब्लोअर्स, यानी दोनों ही जो है वो जाड़ों में आपके शुरू हुए और उन्होंने कवर किया, कवर अप्स एंड विसल ब्लोअर्स, द ओरिजिन ऑफ बोथ आर वर ट्रेस्ड
to China's unregulated wet markets and the sale of wildlife. और दोनों ही वायरस जो हैं वो किस जगह पे हुए हैं, जहां पे चाइना में अनरेगुलेटेड अनकंट्रोल्ड यानी कि इलीगल तरीके की वाइल्ड लाइफ की सेल चल रही थी, वहां से इनको जो है ओरिजिन हुआ है। बोथ रिजल्टेड इन क्वारंटाइन, दोनों के ही बाद जो है वो क्वारंटाइन सिचुएशन बना दी गई है। क्वारंटाइन का मतलब होता है कि किसी से बचने के लिए, या अगर कोई व्यक्ति जो है किसी ऐसी सिचुएशन से निकल के आ रहा है कि उसको कोई खतरा हो सकता है इन्फेक्शन का या और किसी डर होता है, तो उसको बचा के रखने के लिए हम उसको जिस माहौल में या जिस सिचुएशन में भेज देते हैं तो दैट इज कॉल्ड द क्वारंटाइन। एम्प्टी स्ट्रीट्स एंड कंसिडरेबल पैनिक, यानी दोनों से ही जो है वो काफी भय का वातावरण, काफी माहौल जो है वो खराब हुआ है। दे फीचर्ड द जॉ ड्रैपिंग फीट्स ऑफ एंटायर हॉस्पिटल्स बीइंग कंस्ट्रक्टेड विद इन अ फ्यू डेज, और दोनों के ही बाद चाइना ने जो है कुछ ही दिनों में एक बड़े अस्पताल जो है वो बना दिए हैं। तो ये तो जो है वो समानताएं हैं, और दोनों ही, आगे इन्होंने एक बात और लिखी है, एंड बोथ डिमॉन्स्ट्रेटेड द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ चाइनाज अथॉरिटेरियन पॉलिटिकल सिस्टम, और दोनों ने ही चाइना का जो अथॉरिटेरियन पॉलिटिकल सिस्टम है, चाइना का आप पॉलिटिकल सिस्टम को जानते हैं काफी सेंट्रलाइज है, काफी जो है वो चेन ऑफ कमांड जो है उसमें काफी यूनिटी है, तो उसके जो फायदे और नुकसान दोनों जो हैं वो इन दोनों ही आउटब्रेक, ये दोनों जो वायरस के आउटब्रेक हैं उससे दिखाई पड़े हैं। बट ओनली आफ्टर द नेसेसरी एस्केलेशन ऑफ द क्राइसिस रिजल्टिंग फ्रॉम अ रिप्रेसिव कल्चर ऑफ सेंसरशिप, अब जो सेंसरशिप का ये कल्चर है चाइना का, पूरा स्टेट कंट्रोल्ड वहां पे सब कुछ है, उसके जो अननेसेसरी जो उसके एस्केलेशन है, या कहना चाहिए उससे जो क्राइसिस निकल करके आ रही है, उसके जो खराब रिजल्ट हैं वो अब पता चल रहे हैं। अब इसमें इन्होंने डिफरेंस, ये तो उन्होंने समानताएं बताएं कि भाई विंटर के मौसम में शुरू हुए थे और जहां पर जो है इलीगल मार्केट थे, जहां पे वाइल्ड लाइफ जो है उसकी सेलिंग होती थी चाइना में, वो बनी। दोनों के बाद जो है वो चाइना ने हॉस्पिटल भी रेडी कर दिए, और वहां की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है चाइना का, उसका जो प्रोज एंड कॉन्स है, प्रोज एंड कॉन्स दोनों जो है वो हमें यहां से देखने को मिला है दोनों ही वायरस के इन्फेक्शन के बाद। तो ये तो इन्होंने बात करी कि क्या क्या जो है वो समानताएं थी सार्स कोरोना में और नोवेल कोरोना में, लेकिन अगर आप देखें कि इसमें जो डिफरेंस इन्होंने जो है वो डिफरेंस जो है वो प्रदर्शित किए हैं, तो डिफरेंस क्या क्या है कि बट देर आर ऑल्सो डिफरेंसेस, सार्स वॉज फार डेडलियर विद अ मोर्टेलिटी रेट ऑफ अबाउट 10%, यानी सार्स से जो है मोर्टेलिटी रेट था वो बहुत ही ज्यादा 10% का था, यानी अगर 100 लोग बीमार पड़ रहे थे तो 10 लोगों की उनमें से मृत्यु हो जा रही थी। लेकिन अगर आप देखेंगे कि जो कोविड है, यानी कोरोना वायरस जो इंफेक्शियस डिसीज है, उसका अभी आना पूरा रिजल्ट बाकी है, लेकिन फिर भी ये 2% के आसपास, यानी इसका मोर्टेलिटी रेट जो है वो 2% है और सार्स वायरस का 10% था, इससे 5 गुना जो है 5 टाइम्स कम मॉर्टेलिटी रेट है नोवेल कोरोना का। हाउएवर इट इज मच मोर इंफेक्शियस, मोर देन 1300 पीपल हैव डाइड फ्रॉम द वायरस, अ नंबर दैट इज ऑलरेडी ग्रेटर देन सार्स फाइनल डेथ टोल ऑफ 774। अभी आप देखिए कि इसका जो इंफेक्शन रेट है वो भले ही 2% हो, लेकिन इससे मरने वालों की जो संख्या है वो सार्स से बहुत ज्यादा आगे ऑलरेडी निकल चुकी है। 774 लोग जो है वो रिपोर्ट हुए थे, लेकिन ऑलरेडी ये इन्होंने जो डेट लिया है ये 13-14 के आसपास का होगा। अभी आज की डेट में अगर आप देखें तो करीब, मैंने आपको बताया था, 2000 के आसपास जो है वो लोग जो है कोरोना वायरस के डिजीज से जा चुके हैं। इट टुक 8 months फॉर सार्स टू स्प्रेड टू मोर देन 8,000 पीपल, द COVID-19 हैज इन्फेक्टेड 63,000 पीपल इन अबाउट 6 weeks, यानी कि जो सार्स है उसको 8 महीने में 8,000 लोगों तक वो पहुंचा था, सार्स वायरस। कोरोना वायरस 6 हफ्ते, यानी कि 1 महीने के स्पैन में 63,000 लोग जो हैं वो उससे इंफेक्शन फैल चुका है। तो सार्स का और कोरोना का जो कंपैरेटिव एनालिसिस ये दे रहे हैं उसको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि किस तरीके से एपिडेमिक्स जो है, किस तरीके से वायरस आउटब्रेक जो है वो हमारे लिए खतरनाक बनते जा रहे हैं। वुहान सिटी में ये जो है वो फैला हुआ है। वुहान सिटी को अगर आप देखें चाइना के मैप में, तो सपोज अगर
आपका ये इंडिया का पोर्शन आप ले लो, जम्मू कश्मीर वाला पोर्शन, और ये अगर आप चाइना को मान के चलो नॉर्थ ईस्टर्न थोड़ा सा अगर इसमें, तो वुहान लगभग इस जगह पड़ता है। अगर आप इसको चाइना को डिवाइड करें तो चाइना का जो साउथ ईस्ट जो एरिया है वहां पर वुहान सिटी जो है ये पड़ती है, जहां पर ये आउटब्रेक हुआ है। तो इंडिया से ज्यादा पास भी नहीं है और जो ज्यादा दूर भी नहीं है, और टेम्परेचर जो है इंडिया का वो इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ऐसा माना जाता है कि ये वायरस जो है आपका वो गर्मी में जो है वो सहन नहीं कर पाता, गर्मी में ये जो है इसका जो फर्क है वो खत्म हो जाता है। तो जल्दी से हम उम्मीद करते हैं कि गर्मियां जो हैं और तेजी से आ जाएं, और चाइना भी जो है उसको कोप अप करे, धीरे धीरे वहां भी टेम्परेचर जो है वो बढ़ने लगा है, तो इसके जो धीरे धीरे उम्मीद है कि ये कुछ दिनों में कंट्रोल हो जाएगा। एंड ऑल दो आगे देखिए इन्होंने क्या कहा, एंड ऑल दो कंपेयर टू सार्स दिस हैंडलिंग हैज शोन इंप्रूवमेंट्स, इट नंदीलेस थ्रोज द डेफिशिएंसीज इवन फ्रेगिलिटी ऑफ चाइना पॉलिटिकल सिस्टम इन टू शार्प रिलीफ। हालांकि जो कहना चाहिए कि सार्स के मुकाबले आपके नोवेल में जो है कोशिशें अच्छी की हैं चाइना ने, लेकिन ये जो एडिटर है उनका ऐसा मानना है कि पॉलिटिकल सिस्टम की जो फ्रेगिलिटी है, पॉलिटिकल सिस्टम की जो कमजोरी है वो दोबारा से शो हो गई है। द सिवेरिटी एंड एक्सटेंट ऑफ द डिजीज इन वुहान वॉज अंडर एस्टिमेटेड फॉर वीक्स, इंफॉर्मेशन वॉज नॉट एडिक्वेटली शेयर्ड, वॉर्ड्स लाइक दोज डॉक्टर ली वेन लियांग द विसिल ब्लोअर हु सब्सिक्वेंटली कॉन्ट्रैक्टेड द वायरस एंड डाइड, हु ट्राइड टू वॉइस देयर कंसर्न वर मजल्ड बाय द पुलिस, द एग्रीगेरियस कॉन्सिक्वेंस ऑफ द वीक्स लॉन्ग ऑफिशियल साइलेंस वॉज दैट इट फैसिलिटेटेड द मूवमेंट ऑफ सम 5 मिलियन पीपल इन द डेज बिफोर वुहान वॉज क्वारंटाइंड। यानी कि आप बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन को देख रहे हैं अभी कि सार्स को हैंडल जो है वो चाइना ने बहुत अच्छा किया है सार्स के मुकाबले जो है नोवेल को, लेकिन वहां के पॉलिटिकल सिस्टम की कमी की वजह से और वहां की जो गवर्नमेंट ने जो सेंट्रलाइजेशन किया है डेटा का उस वजह से वहां पर जो है प्रॉब्लम बढ़ी है। और डॉक्टर ली वेन लियांग जो कि विसिल ब्लोअर थे, जिन्होंने कि सबसे पहले बताया था कि कोरोना वायरस का आउटब्रेक जो है वो चाइना के वुहान प्रोविंस में हो गया है, और बाद में वो डेथ भी उनकी हो गई। तो देख सकते हैं कि एडिटोरियल के हिसाब से इन्होंने माना है कि चाइना की जो गवर्नमेंट है उसकी अप्रोच जो है वो अच्छी नहीं रही है, और पुलिस ने लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश की है, और इस सब की वजह से ये जो न्यूज जो है वो स्प्रेड नहीं हो पाई, न्यूज जो है वो ठीक से प्रोपोगेट नहीं हो पाई। तो जब तक वुहान को क्वारंटाइन किया गया, जब तक वुहान में कंट्रोलिंग मेजर लिए गए, तब तक 5 मिलियन लोग यानी कि 50 लाख लोग जो हैं वो वुहान से बाहर जा चुके थे। तो इसलिए जो ये प्रॉब्लम है वो और ज्यादा वरीसम हो गई। तो ये एडिटोरियल का आपने एनालिसिस देखा कि किस तरीके से सार्स और नोवेल के लिए जो अप्रोच रही है चाइना की वो अलग अलग रही है। कुछ मामलों में जो है चाइना ने अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन कुछ मामलों में चाइना का जो परफॉर्मेंस है वो अभी भी अंडर स्कैनर है, ऐसा मानना है एडिटोरियल जिनका ये एनालिसिस है। अभी हम देखेंगे नेशनल जो है एरिना में इंपॉर्टेंट न्यूज कुछ हुई है। इंपॉर्टेंट न्यूज हुई है कि चाइना नेपाल और इंडिया के बीच में, ये पुराना न्यूज है मेरे ख्याल में जून या जुलाई के आसपास का न्यूज है, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ रिवीजन और इसको नए सिरे से आप जो है इस न्यूज को देखेंगे, इस वजह से मैंने इस न्यूज को लिया है, क्योंकि एग्जाम भी आपका आ रहा है, 3 मार्च से एग्जाम शुरू है। मैंने पहले ही बोला है कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पुरानी भी डिस्कस करता रहूंगा। तो इंडिया नेपाल इनॉग्रेट मोतिहारी अमलेखगंज ऑयल पाइपलाइन, ये दो जो जिले हैं एक भारत में है एक नेपाल में है, इन दोनों के बीच में गैस पाइपलाइन शुरू हो रही है। ये मोतिहारी जो है वो बिहार में पड़ता है, हमारे देश का जो एक राज्य है नेपाल से सटा हुआ। इंडिया नेपाल रिलेशनशिप विल कॉन्टिन्यू टू इंटेंसिफाई अक्रॉस मल्टीपल सेक्टर्स, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड ऑन ट्यूजडे ड्यूरिंग द वीडियो लिंक लॉन्च ऑफ मोतिहारी अमलेखगंज एनर्जी पाइपलाइन, ड्यूरिंग विच ही वॉज इनवाइटेड टू विजिट नेपाल बाय प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली। तो ये तो एक गवर्नमेंट का लैंग्वेज है, हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट न्यूज है जो गैदर करने के लिए डेटा है इसमें वो ये है कि मोतिहारी और अमलेखगंज के बीच में पाइपलाइन का प्रोसेस शुरू हो गया है।
Prime Minister Modi said the 69 km Motihari Amlegganj pipeline, having a capacity of 2 million metric ton per annum, will provide cleaner petroleum products to affordable costs to the people of Nepal. He welcomed the announcement made by the Prime Minister Oli to reduce the price of petroleum products by rupees 2 per liter in Nepal. तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने उस समय धन्यवाद भी किया और इसका जो है वो शुभारंभ किया. तो अपने लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि किन किन दो डिस्ट्रिक्ट के बीच में शुरू हो रहा है, मोतीगारी और अमलेखगंज के बीच में. 69 किलोमीटर है वो इसका लेंथ है. एक और टॉपिक मैं अब आपके सामने लेकर के आ रहा हूं. अक्सर आपने देखा होगा कि यूनाइटेड नेशंस जो है वो अपने इंटरनेशनल ईयर्स को जो है वो डिक्लेयर करता है, और ऐसा वो इसलिए करता है कि जिस सब्जेक्ट के लिए इंटरनेशनल ईयर डिक्लेयर किया गया है उस पर जो फोकस है वो बढ़ाया जा सके, उससे जो रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं, रिलेटेड जो दिक्कतें हैं उनको सॉल्व किया जा सके. तो मैंने जो है आपके लिए कंपाइल किया है फॉर द ईयर 2019, फॉर द ईयर 2020 एंड फॉर द ईयर 2021. ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने ये स्नैप उठाया है कि कौन कौन से किस ईयर को क्या क्या जो है वो डेडिकेशन किया गया है. तो सबसे पहले तो 19 जो कि हमारा एरिया ऑफ कंसर्न है, हमारा फोकस ईयर है, वो क्या है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजिनियस लैंग्वेज. यानी 2019 का जो साल था उसको क्या क्या माना गया था, इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजिनियस लैंग्वेज. इंडिजिनियस लैंग्वेज का मतलब हो गया कि आपकी जो नेटिव भाषाएं हैं, इंडिजिनियस का मतलब होता है जो देशी भाषाएं जो किसी पर्टिकुलर एरिया में बोली जाती हैं, उन भाषाओं को के लिए ये साल था. क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये जो ग्लोबलाइजेशन की एक दौर दुनिया में आया है, ग्लोबलाइजेशन का दौर जो दुनिया में आया है उससे इंडिजिनियस जो लैंग्वेज थी उनको काफी नुकसान पहुंचा है, उन लैंग्वेजेस को काफी नुकसान पहुंचा है. इंग्लिश जो है वही पूरी दुनिया की भाषा बन गई है और रीजनल जो भाषाएं जो हैं हमारी वो धीरे धीरे कम होती जा रही. तो एक ही उसको डेडिकेटेड किया गया था. इंटरनेशनल ईयर ऑफ मॉडरेशन इसको डिलीट जो है डिक्लेयर किया गया था, और इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑफ केमिकल एलिमेंट्स इसको डिक्लेयर किया गया था. तो 2019 जो है हमारा तीन चीजों पे फोकस था, इंडिजिनियस लैंग्वेज और मॉडरेशन एंड इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑफ केमिकल एलिमेंट्स. 2020 हमारा जो होने वाला साल है, जो हमारा साल आ रहा है, इसको क्या डिक्लेयर किया गया है, इसको डिक्लेयर किया गया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ, यानी पौधों के स्वास्थ्य के लिए इस साल को डिक्लेयर किया गया है. इंटरनेशनल ईयर ऑफ द नर्स एंड मिडवाइफरी. नर्स और जो मिडवाइफ्स होती है, जो अस्पतालों में हमारी सेवा करती हैं, नर्स और मिडवाइफ दोनों जिन्होंने की हमेशा वॉर के टाइम पे, हमेशा ऐसी कोई सिचुएशन पे टाइम पे जब भी कुछ ऐसा हुआ है कि उनको अपनी सेवाएं देने का मौका मिला है, एक बहुत ही लंबा और स्वर्णिम इतिहास रहा है नर्स और मिडवाइफ का. तो इसके लिए इसको जो है वो डेडिकेशन दिया गया है. 2021 इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट, इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. तो 2021 जो है वो हमारा पीस और ट्रस्ट का साल होगा, क्रिएटिव इकोनॉमी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए इसको जो है वो बनाया जाएगा क्रिएटिव इकोनॉमी के पर्पस से. तीसरा क्या रहेगा, इंटरनेशनल ईयर फॉर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, यानी फलों और सब्जियों का भी जो है वो इसको इंटरनेशनल ईयर माना जाएगा. तो मैंने आपको डिटेल दिया कि कैसे जो आने वाला साल है, चाहे वो 1920 हो या 2021 हो, उसको डेडिकेशन जो है वो यूएन ने दिया है. मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि हम जो आगे अगला स्लाइड डिस्कस कर रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो कि मेंडलीफ ने हमें दी थी उसके बारे में. तो वो हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं अभी आपको समझ में आ गया होगा कि 2019 का एक जो डिक्लेरेशन है वो ये भी था, इट वॉज इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑफ केमिकल एलिमेंट्स. और ये क्यों था, क्योंकि दिमित्री मेंडलीफ जो कि जिन्होंने की इसकी जो है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बनाया था, सबसे पहले उन्होंने जो हमारे केमिकल एलिमेंट्स हैं उनको स्ट्रक्चर्ड वे में जो है उनको केमिकल्स को आपस में स्ट्रक्चर किया था. तो उन दिमित्री मेंडलीफ का बर्थ सेंटेनरी का 150वां साल था, 2019 में 150वां साल था, इसलिए इसको जो है वो डिक्लेरेशन दिया गया. अब हम देख लेते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. ये है हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जैसा कि हम सभी ने अपने बचपन से अभी तक देखी है. हर साल इसमें जो है वो कुछ ना कुछ एलिमेंट्स जो हैं
वो यहां पर आपको देखते हैं कि जुड़ते चले जाते हैं। अनन्वियम, अनन्वम्वियम, अमम्दम्वियम, पता नहीं कौन कौन से नाम जो हैं वो नए इसमें दिए जा रहे हैं। खैर, दैट वॉज अ पार्ट ऑफ जोक, लेकिन उसके पीछे भी एक रीजनिंग है, उन नाम को इस तरीके से देने के पीछे एक रीजनिंग है, और मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप उसको पढ़िए, आप उसको समझिए कि वो नाम इस तरीके से क्यों लिए जाते हैं। कई सैलियंट फीचर्स हैं यहां पे, हो गया हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। तो ये अलग अलग इसके जो है वो पीरियड्स होते हैं जिसको हम जानते हैं, इन पीरियड्स के नाम से हम इनको जानते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ। और ये जो इनका जो इसमें अरेंजमेंट है, वो अरेंजमेंट होता है कि इनका जो बॉन्डिंग है, संयोजकता जो है इनकी, वो कितनी होती है, कितने इलेक्ट्रॉन से ये अपने दे सकते हैं या किसी और एलिमेंट्स के ले सकते हैं, वही इनकी जो है वो संयोजकता होती है, यानी कि जो इनका सबसे आउटर जो इनका जो ब्रैकेट होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर चार से ज्यादा होते हैं तो जनरली ये एक उतने ही इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं कंप्लीट करने के लिए, अगर चार से कम होते हैं तो अपने इलेक्ट्रॉन्स या एलिमेंट्स जो है वो दे देते हैं। ये केमिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, आपको पता भी होगा, और आपके साइंस वाले जो एजुकेटर हैं वो भी डिस्कस करेंगे, और मैं जब आपके साथ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के सैलिएंट फीचर्स को डिस्कस करूंगा, मेरे प्लस कोर्स में साइंस का पोर्शन कवर करूंगा, तब भी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो ये आपने देखा कि किस तरीके से मॉडर्न जो हमारी टेबल है, इसमें आप देखिए जो ब्लू कलर में आपको दिखाई पड़ रहा है, ये सारे आपके मेटल्स हैं, ये लैक्टिनाइट सीरीज, एक्टिनाइट सीरीज, ये भी अलग रखी जाती है, इसका भी कुछ रीजन है। जो हमारे ये आपको मस्टर्ड कलर में दिखाई दे रहे हैं, ये मेटलॉइड्स हैं, और जो ग्रीन कलर में दिखाई दे रहे हैं, ये सारे हमारे नॉन मेटल हैं। तो आप देखिए कि मेटलॉइड्स और नॉन मेटलॉइड्स के बीच में भी आपस में एक रीजनिंग है, वो रीजनिंग क्या है ये भी आप पता लगा सकते हैं अगर आप कोर केमिस्ट्री में जाएं। तो अब हम देख लेते हैं कि जो हमारे फीचर्स हैं वो क्या है, मॉडर्न टेबल पीरियोडिक टेबल किस तरीके से अरेंज की गई है। पहले जो हमारा तरीका था वो हमें ऐसा महसूस होता है कि जो नेचुरल ऑर्डर है हमारे एलिमेंट्स को फाइंड करने का वो यही रहा है। ऑल्सो वी हैव रिटेन द फॉर्मेट ऑफ रोज एंड कॉलम्स विच रिफ्लेक्ट्स अ नेचुरल ऑर्डर। द रोज ऑफ टूडेज टेबल्स शो एलिमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ मेंडलीव्स कॉलम, यानी मेंडलीव ने जो हमें आवर्त सारणी दी थी वो एक तरीके से बेसिस था हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। एलिमेंट्स ऑफ व्हाट वी नो नाउ कॉल अ पीरियड वर लिस्टेड वर्टिकली बाय मेंडलीव। केमिकल ग्रुप्स आर नाउ शोन वर्टिकली इन कॉन्ट्रास्ट टू देयर हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट इन मेंडलीव्स टेबल, यानी मेंडलीव की टेबल में जो हमने पीरियड्स वर्टिकली लिए हैं, इनका जो मेंडलीव जी ने जो हमें पीरियोडिक टेबल दी थी उसमें दोज वर स्ट्रक्चर्ड हॉरिजॉन्टली जो है वो दिए गए थे। मेंडलीव्स 1871 अरेंजमेंट वॉज रिलेटेड टू द एटम, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिएगा कि मेंडलीव का जो 1871 का अरेंजमेंट था, इट वॉज रिलेटेड टू द एटोमिक रेशियोज इन विच एलिमेंट फॉर्म्ड ऑक्साइड्स बाइनरी कंपाउंड विद ऑक्सीजन, वेयर एज टूडेज पीरियोडिक टेबल्स आर अरेन्ज बाय इंक्रीजिंग एटोमिक नंबर, दैट इज द नंबर ऑफ प्रोटोन्स अ पर्टिकुलर एलिमेंट कंटेन्स। यानी कि हमारे जो आज के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जिसमें कि आप जानते हैं 1, 2, 3, 4 इस हिसाब से जिनका एटोमिक नंबर होता है उसी हिसाब से हमारे जो है वो अरेन्जमेंट किए गए हैं एलिमेंट्स का। यानी कि जितना प्रोटोन होता है किसी भी न्यूक्लियस में, एलिमेंट के न्यूक्लियस में, वही उसका एटॉमिक नंबर होता है, और उसी हिसाब से हमारे जो एटॉमिक टेबल है, हमारी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसमें अरेंजमेंट रहा है। लेकिन जो मेंडलीव ने 1871 में जो अरेंजमेंट दिया था उसके हिसाब से देवर स्ट्रक्चर्ड इन हॉरिजेंटली, और ऑक्साइड्स बनाने की जो उनकी प्रकृति है, किसी भी एलिमेंट की जो ऑक्साइड बनाने की प्रकृति है उसी के हिसाब से देवर अरेंज इन दैट पीरियोडिक टेबल। देखिए यहां पर ये मैंने एक स्नैप लिया है, अव्यवस्थित से व्यवस्थित करना मेंडलीव की आवर्त सारणी। सबसे पहले मेंडलीव ने एक स्ट्रक्चर्ड तरीका दिया, यानी अव्यवस्थित तरीके से जो एलिमेंट्स का स्ट्रक्चराइजेशन किया गया था उसको किस तरीके से इन्होंने उनके जो उनकी प्रॉपर्टीज थी, उनके वर्च्यूज से, उनके जो गुणधर्म थे, केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे उन्होंने अरेंज किया। इससे पहले भी और भी कई लोगों ने है, जो कई साइंटिस्ट ने जो है वो इस बारे में कोशिश की थी। दिमित्री इवानोविच मेंडलीव ने इसको फिर एक स्ट्रक्चर्ड वे दिया। आप देख लीजिए कि मेंडलीव का जन्म जो है फरवरी 1834 में हुआ था,
साइबेरिया के टोबोलस स्थान में हुआ था। अपनी प्रारंभिक शिक्षा के बाद उन्होंने जो है विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया और काफी संसाधनों की जो है इनके पास कमी थी, लेकिन फिर भी इन्होंने जो है वो काफी कोशिश करके अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाया। अभी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो कहती है अव्यवस्थित से व्यवस्थित सारणी का, यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी। देखिए सबसे पहले तो था अव्यवस्थित से व्यवस्थित करने की जो शुरुआत करी वो मेंडलीफ ने करी। न्यूलैंड्स का जब अष्टक सिद्धांत तो जो था जब वो अस्वीकार हो गया, जब ये माना गया कि भाई न्यूलैंड्स की ये जो थ्योरी है ये फिट नहीं बैठ रही है और जो अरेंजमेंट है जो हमारे एलिमेंट्स का वो फिट नहीं बैठ रहा है, तो मेंडलीफ ने एक स्ट्रक्चर्ड वे दिया। लेकिन उसके बाद भी एक नया स्ट्रक्चर आया 1930 में हेनरी मोजले, इन्होंने बताया कि परमाणु द्रव्यमान की तुलना में यानी कि एटॉमिक मास की तुलना में जो एटॉमिक नंबर है परमाणु संख्या जो है वो ज्यादा आधारभूत गुणधर्म है, यानी कि वो जो है वो ज्यादा बेसिक प्रॉपर्टी है। अभी आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन जो इसमें लिखी हुई है कि तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्ती फलन होते हैं, यानी जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं दे आर दी पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ये लाइन आपने काफी बार सुनी होगी जब आप 9 10th 11 में होंगे, तो मैंने आपको ये रिवाइज करा दी क्योंकि हो सकता है कि वो एग्जाम में आपसे पूछ ले कि वो कि जो जो एलिमेंट्स हैं उनके जो प्रॉपर्टीज हैं दे आर दी पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ व्हाट, तो दे आर एटॉमिक दे आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या का आवर्ती फलन है। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से आपका जो मेंडलीफ है उनका योगदान जो है वो हमेशा सराहा जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है आने की संभावना आपके एग्जाम में है क्योंकि 2019 को जो है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीरियोडिक टेबल डिक्लेयर किया गया था, इसलिए पीरियोडिक टेबल से संबंधित जो आपके क्वेश्चन है वो एग्जाम में आ सकते हैं। अगला न्यूज हम देखेंगे टू डे बिमस्टेक, ये आप कल का ही न्यूज है, ये मैंने इसलिए ले लिया है क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, पीआईबी का न्यूज है। आज का जो मैं आपका सेशन है उसमें हिंदू प्लस पीआईबी दोनों को कवर कर रहा हूं, हिंदू प्लस पीआईबी का मैं सेशन दोनों का ये आपका कवर कर रहा हूं, तो ये पीआईबी का न्यूज था, दैट्स व्हाई आई टुक दैट इनटू माय कंसीडरेशन, मैंने उसको लिया कि बिमस्टेक की जो है कॉन्फ्रेंस वो कंप्लीट हुई। दो दिन की ये कॉन्फ्रेंस थी न्यू दिल्ली में और हमारे देश के जो होम मिनिस्टर है अमित शाह जी उन्होंने इसको जो है वो कंसर्न में दिया। तो अभी आपको देखना है कि बिमस्टेक का ये जो सबमिट हुआ है कॉम्बेटिंग ड्रग ट्रैफिकिंग, तो बिमस्टेक आखिर है क्या? आप में से कई एस्पिरेंट्स ने इसका नाम सुन रखा होगा, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन भी आता है एंड ऑलवेज ये एक पोटेंशियल क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, बिमस्टेक से संबंधित क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आने की संभावना हमेशा बनी रहती है। अभी आप देखिए कि कंसर्न क्या थे, ये जो कॉन्फ्रेंस जो हुई है बिमस्टेक की ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए इसकी वजह क्या थी, क्यों ये हुई है? तो द बंपर हार्वेस्ट ऑफ ओपियम इन अफगानिस्तान फॉर द लास्ट फ्यू इयर्स हैव गिवन राइज टू इंक्रीज सप्लाई ऑफ हेरोइन इन ऑल द बिमस्टेक नेशन, यानी अफगानिस्तान में जो जो आपका ओपियम की जो खेती हुई है उसको उसकी वजह से कंसर्न्स बढ़ गए हैं और ऐसा माना जा रहा है कि आपके जो है वो उसको खतरा बढ़ सकता है, जो भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं वहां पे हेरोइन जो है वो उसकी खपत जो है वो बढ़ सकती है, इस वजह से आपकी ये कॉन्फ्रेंस हुई है। अफीम की खेती होती है अफगानिस्तान में और वहां से फिर वो जो है अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग मकसद से भेज दी जाती है। एनदर मेजर कंसर्न फॉर वरी इज द लार्ज नंबर ऑफ मेथाफ्टिमाइन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज दैट आर प्रीवेलेंट इन सम ऑफ द बिमस्टेक कंट्रीज, मेथाम्फिटामाइन की जो है वो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ गई है, उसकी फैसिलिटीज बढ़ गई हैं, इस वजह से भी ये कंसर्न बढ़ा है। दिस फैसिलिटीज मैन्युफैक्चर अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ मेथाम्फिटामाइन विच इज फर्दर ट्रैफिक टू ऑल बिमस्टेक, ये भी एक तरीके का आपका जो है मेथाम्फिटामाइन जो है वो भी एक तरीके का ओपियम टाइप का ही एक पदार्थ होता है, उसकी भी जो है वो सेल आगे बढ़ रही है, इस वजह से ये तैयारी ये जो आपका कॉन्फ्रेंस है वो हुआ है। अभी हम देख लेते हैं कि बिमस्टेक क्या है, क्या है बिमस्टेक, इसको आप देखिए ये आपके जो है मेंबर कंट्रीज हैं ये उनके झंडे हैं। अभी हम देखेंगे कि बिमस्टेक आखिर है क्या। तो बिमस्टेक का जो फुल फॉर्म है वो है कि द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, बिमस्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, यानी कि बे ऑफ बंगाल का जो आपका एरिया है इस एरियाज में अलग अलग जो देश हैं
उन सभी ने आपस में एक आपस में ट्रीटी कर रखी है इकोनॉमिक कॉरपोरेशन के लिए और टेक्निकल कॉरपोरेशन के लिए. इट इज अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कंप्राइजिंग 7 मेंबर स्टेट्स लाइंग इन द लिटोरल एंड एडजेसेंट एरियाज ऑफ द बे ऑफ बंगाल कॉन्स्टिट्यूटिंग अ कंटिगुअस रीजनल यूनिटी. यानी जो हमारे बे ऑफ बंगाल का ये मैप में मैंने आपको एरिया दिखाया है, तो इस पर्टिकुलर एरिया में जो आने वाले देश हैं वो सभी इसके मेंबर स्टेट्स हैं. 6 जून 1997, इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा. किसी भी तरीके के क्रोनोलॉजिकल अरेंजमेंट का जो होता है क्वेश्चन, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी, तो 6/6/97 को बिम्स्टेक की स्थापना हुई थी. इट कॉन्स्टिट्यूट 7 मेंबर स्टेट्स, 5 डिराइविंग फ्रॉम साउथ एशिया इंक्लूडिंग बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल एंड श्रीलंका. साउथ एशिया का जो रीजन है उसमें से बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल और श्रीलंका को लिया गया है. एंड 2 फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया. साउथ ईस्ट एशिया से 2 कंट्री आती हैं, वो आती हैं आपकी म्यांमार और थाईलैंड. तो इस तरीके से ये जो है वो 7 कंट्रीज बनती हैं. पहले जो है वो इसकी कंट्री जो है वो आपकी म्यांमार नहीं थी, तो इसका नाम जो था वो बिम्स्टेक था. लेकिन बाद में म्यांमार के इसका मेंबर बनने के बाद 22 दिसंबर को यानी 6 जून में इसकी स्थापना हुई. 22/12 को आकर के म्यांमार जो है वो इसका सदस्य बन गया, इसलिए इसका नाम पूरा पड़ा बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टोरल इनिशिएटिव फॉर बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, ये इसका नाम पड़ा. With the admission of Nepal and Bhutan at the 6th ministerial meeting in 2004, Thailand, the name of the grouping was changed to Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Corporation. बाद में जो है इसमें नेपाल और भूटान भी आए हैं. The regional group constitute a bridge between. देखिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि BIMSTEC का जो यूज है वो क्या है. It works as a bridge. Bridge किनके किनके बीच में? सार्क और आसियान के बीच में. सार्क और आसियान के बीच में एक ब्रिज की तरह ये जो है वो काम करता है आपका बिम्स्टेक. क्योंकि सार्क साउथ ईस्ट एसोसिएशन ऑफ फॉर रीजनल कोऑपरेशन, और इसी तरह की आसियान जो है वो आपकी साउथ ईस्ट एसोसिएशन है. तो इन दोनों के बीच में जो एक ब्रिज का काम कर रहा है वो काम कर रहा है बिम्स्टेक. और बिम्स्टेक के परव्यू में आने वाले बिम्स्टेक की जो कंट्रीज हैं उनके आने वाले जो लोग हैं वो 1.5 बिलियन यानी कि 1.5 अरब लोग, यानी 22% जो है वो जनसंख्या पूरे देश की वो आपके आती है. और कंबाइंड जो इनका जीडीपी है वो है 2.7 ट्रिलियन इकोनॉमी. इन द लास्ट 5 ईयर्स बिम्स्टेक मेंबर स्टेट्स हैव बीन एबल टू सस्टेन एन एवरेज ऑफ 6.5% इकोनॉमिक ग्रोथ. तो ये जो रीजन है अपने आप में जो बिम्स्टेक के एरिया में आ रहा है, ये रीजन अपने आप में जो है वो एक इंपॉर्टेंट रीजन है पूरी दुनिया के लिए. क्योंकि देखिए सामरिक दृष्टि से अगर आप देखें, डिफेंस के भी अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो इंडियन ओशन जो है हमारा हिंद महासागर है वो हमेशा से ही एक रास्ता रहा है वेस्टर्न कंट्रीज के लिए, जापान और चाइना जाने के लिए और रूस जाने के लिए, फ्रॉम दिस वे, फ्रॉम इंडियन ओशन एंड अटलांटिक ओशन. तो इस वजह से सामरिक दृष्टि से वो महत्वपूर्ण है. अगर आप उसको इकोनॉमिक पर्पज से देखें तो जो इस एरिया में पॉपुलेशन का जो परसेंटेज है, चाहे आप चाइना की बात करें, इंडिया का बात करें, अफ्रीका का बात करें, तो एक बहुत बड़ा मार्केट क्रिएट हो जाता है एशिया और अफ्रीका में वेस्टर्न कंट्रीज के लिए. इस वजह से भी आपका जो इंडियन ओशन का एरिया है, बे ऑफ बंगाल का एरिया, वो पूरी दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट है. सो इट इज वेरी नेसेसरी फॉर द कंट्रीज ऑफ दिस एरिया कि वो आपस में एकजुट रहें. इसीलिए आपने देखा कि तरह तरह के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स या फिर इकोनॉमिक कॉपरेशन या फिर आपके सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जो समझौते हैं वो यहां के देशों में आपस में होते रहते हैं. और इंडिया का जो उसमें मेजर रोल है वो इसलिए प्ले होता है क्योंकि इंडिया इज हैविंग एन इमेज ऑफ बिग ब्रदर. भारत की जो भूमिका है वो बड़े भाई की निभाता है हमेशा, और किसी भी देश की टेरिटरी को ओवरकम ओवर जो है कब्जा करने की कोशिश नहीं करता, किसी भी तरीके की किसी भी देश के मार्केट को कब्जा करने की कोशिश नहीं करता. ऐसा इंडिया का एक दुनिया में इमेज है. जबकि चाइना के बारे में, चाइना जो एशिया का एक बड़ा प्लेयर है इंडिया के अलावा, उसके बारे में एक आम धारणा है कि वो जो है अपने सामरिक हितों के लिए या फिर और भी किसी तरीके के फायदे के लिए ही हमेशा जो है इस तरीके से अपनी बॉन्डिंग बनाता है. अगर आप देखें जो हमारा रीजन है उसमें बैलेंस ऑफ पावर में पाकिस्तान चाइना और इंडिया, पीसीआई आईपीसी और जो भी आप इसको सीपीआई कहना चाहें,
तो ये जो आपका जो तीनों का बॉन्डिंग है ये बहुत ही यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट है पूरे दुनिया के स्टेबिलिटी के लिए। तो इस वजह से ये जो आपका पोर्शन है ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो कॉपरेशन के एरियाज हैं इन देशों के बीच में क्या है, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, फिशरीज, एग्रीकल्चर, कल्चरल कॉपरेशन, एनवायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, पब्लिक हेल्थ, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, पॉवर्टी एलिविएशन, काउंटर टेररिज्म एंड ट्रांसनेशनल क्राइम एंड क्लाइमेट चेंज। तो आपने देखा कि कैसे जो है इन सभी कंट्रीज के बीच में आपस में लगभग हर एरिया को लेकर के जो दो देशों के बीच में समझौते हो सकते हैं उन समझौते उन एरियाज को लेकर के बिम्स्टेक कंट्रीज के बीच में आपस में कॉपरेशन है। तो इस तरीके से आपने देखा कि बिम्स्टेक जो है वो हमारा कितना एक इंपॉर्टेंट जो है वो एक पैक्ट है, ट्रीटी है, कॉपरेशन है, और एशिया की स्टेबिलिटी के लिए एशिया के साथ साथ एशिया पैसिफिक रीजन और उसके बाद पूरे वर्ल्ड के ऊपर जो है इस देश की स्टेबिलिटी का फर्क पड़ता है। तो आज का ये मेरा सेशन था। अब सेल्फ स्टडी की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। सेल्फ स्टडी में मैं आज आपको चार चीजें दे रहा हूं क्योंकि मैं आपको रोज दो पॉइंट देता हूं अपने दोनों सेशन में। अब क्योंकि मैंने दोनों को कंबाइंड कर दिया है तो सेल्फ स्टडी में भी ऑफकोर्स आपके पास चार पॉइंट है। क्या क्या है, पृथ्वी के परिमंडल, स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भूमिका, भारत के फसल चक्र, जो क्रॉपिंग पैटर्न है इंडिया का, क्रॉपिंग पैटर्न इसको आपको देखना है, रबी, खरीफ, जायद, तीन जो है अलग अलग मौसम में आपकी फसलें होती हैं उसको आपको पढ़ना है। चौथा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो राज्यसभा की विशेष शक्तियां, यानी कि जो कुछ विशेष शक्तियां हैं जो सिर्फ राज्यसभा के पास है, वो लोकसभा के पास भी नहीं है, वो आपको पढ़ना है। कौन कौन से वो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन के जो कि आपके पास स्पेशल प्रोविजंस जो है, स्पेशल शक्तियां जो है वो राज्यसभा को देते हैं। तो ये चार चीजें हो गई, स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भूमिका, कौन कौन से आंदोलनों में महिलाओं ने, चाहे वो भारत छोड़ो आंदोलन हो, उससे पहले स्वदेशी आंदोलन हो, उससे पहले होम रूल आंदोलन हो, सभी आंदोलनों में महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, तो सभी में आप जो है उनका स्थिति का जो है अध्ययन करेंगे। पृथ्वी के परिमंडल, पृथ्वी के जो पांच परिमंडल है, पृथ्वी के ऊपर जो फाइव स्फीयर्स जो पाई जाती हैं, पांच लेयर्स जो पाई जाती हैं, वो सबका आपको पढ़ना है, वो सब आपको नाम से पढ़नी है। मैंने आपको नाम नहीं बताऊंगा, वो नाम के हिसाब से आपको पढ़ना है कि कौन कौन सी वो जो है वो लेयर हमारे पृथ्वी के चारों तरफ पाई जाती हैं और उसका हमारी पृथ्वी के जो है अलग अलग चीजों पर अलग अलग इफेक्ट है। तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर द सेशन। आज का सेशन हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए, अनअकैडमी के चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को जो है वो प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ये मेरा रेफरल कोड जो है लाइव यूटी, इस रेफरल कोड को आप प्रयोग में लाइए, इससे आपको आपके फीस पर 10% का डिस्काउंट मिलेगा। डेफिनेटली आप अगर मेहनत करेंगे तो आप इस एग्जाम को पास करेंगे। सो थैंक यू फॉर टुडे, कीप जॉइनिंग अस, पूरी मेहनत से लगे रहिए एंड लेट्स क्रैक इट। थैंक यू।